guys, what's up? So welcome back with a new video. And once again, I thought why not motor vlogging will happen with my GoPro. For the good view of motor vlogging, I have thinking about that, let's say chin mount my GoPro on my helmet, new helmet, and also aim to top mount. But this video I'll show you how to do the chin mount of the GoPro if you have a GoPro 7 Black, any of GoPro brand camera, so action camera, so you can fix it easily. So how to fix it, let's show you one by one. To chaliye dekhte ek ke baad ek ke kaise hamara jo chin mount karte hain helmet mein camera kaise karte hain, hum main dikhata hu. To follow kijiye pura video. Easily you can mount camera on your helmet. So any type of element you can purchase. तो बात ये है कि आप install कैसे करेंगे, तो ये chin mount install करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होता है वो थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या हमको चाहिए ये chin mount करने के लिए. तो चलिए एक एक बात एक मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए. तो हमको बेस बनाना है, क्योंकि जो कैमरा आता है वो कैमरा तो लगते नहीं है, तो मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ. तो मैं आपको पहले मेरा हेलमेट, नया हेलमेट दिखा लेता हूँ. तो ये है मेरा जो कि वीगा का लिया हूँ नया हेलमेट. तो आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है. आई थिंक यू गाइस लाइक द हेलमेट. बट एक प्रॉब्लम है कि जब कुछ कुछ तो मार्केट में नहीं आ गया कि आपको इंस्टेंटली कैसे लगा सकते हैं गोप्रो कैमरा, एक्शन कैमरा और हेलमेट. बट ये आपको मैं बताऊँगा, ये थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है. तो फ्लैट सरफेस में देखिए, फ्लैट सरफेस में लगाने के लिए आपको थोड़ा बेस बनाना है, क्योंकि जो गोप्रो से जो दिया था ना, ये वाला देख सकते हैं, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं. बट आई कैन थी यू कैन गाइस सी देयर इज अ गैप. सो ये गैप को फिल करने के लिए आप एक महत्वपूर्ण, क्या बोलते हैं उसको, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बेस बनाना है, सो दैट इजीली आपको चिपका सकता है. तो इसलिए हमको चाहिए ये एमसील भैया, जो कि एमसील में जो ग्रे और ब्लैक का जो कम्बिनेशन आता है, तो आप देख सकते ये एक वाइट का और ये ग्रे है. तो ये दोनों को हम मिक्स करेंगे, उसका बेस बनाएंगे. बेस बनाया था उसको, ये जो है ना हमारा ये पार्ट उसके ऊपर चिपकाएंगे. तो चलिए हम एक के बाद ये शुरू करते. बट बिफोर दैट यू हैव टू मिक्स दोज वेल प्रॉपरली. देन क्या करना है कि देखिए, मैं प्लान पहले बता देता हूँ हम क्या क्या करेंगे. पहले बेस बनाएंगे विथ एमसील से, उसके बाद ये है जो कि हमारा जे माउंट मिलता है गोप्रो से, ये ऐसे लगाएंगे ईजिली. क्या होगा कि मेरा प्लान ये है कि ऐसे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर, तो मेरा कैमरा ईजिली सेट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं, तो ईजिली मेरा कैमरा जो कि आराम से आ जाएगा इधर. सो हम ट्रैवल करेंगे तो हमको अच्छा व्यू मिलेगा. पेपर लेते हैं, क्योंकि गंदा हो सकता है, बेटर है एक पेपर ले लीजिए. मैं इधर मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है. अब चाहे तो और भी कुछ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया डिपेंड अपन योर आइडिया, यू कैन माउंट इजीली. ओके, सो मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ. आप लोग को जो अच्छा लगे आप फॉलो कीजिए, कोई नहीं. और गाइस, मेरा तो नया वीडियो कुछ चल रहा है, अभी लेटेस्ट गोपालपुर का वीडियो चल रहा था. तो ये आई बटन है, आई बटन को क्लिक कीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखिए. आप लोग को प्यार मिलता है, बगैर ज़्यादा वीडियो मेरे को व्यू नहीं होता है. देखते क्या है, क्योंकि सब्सक्राइब मेरा ज़्यादा है, बट आप लोग देखते कि नहीं वो मालूम नहीं. और कुछ फीडबैक दीजिए, कुछ वीडियो में कुछ और कुछ लाना है कि नहीं संतोष भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, हमको वो चाहिए, तो थोड़ा बोलिए, बोलने के बाद हम करते हैं, होगा तो पसंद मेरे हाथ से. और ऐसे भी ऑफिस का भी थोड़ा काम रहता है. तो देखिए, ये थोड़ा हम अभी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है. दोनों को प्रॉपरली आपको मिक्स करना है, ठीक है, सो दैट प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, आप कैमरा आराम से रहेगा, गिरेगा भी नहीं. तो हाँ, तो मैं बोल रहा था व्यूज़ का. तो गाइस, आई थिंक मेरे को कुछ चेंज करना है, क्या और कुछ डालना है वीडियो,
फूड वगैरह, मैं फूड का अभी तक नहीं किया हूँ बट स्टार्ट किया था जो कि गोपालपुर लेटेस्ट वीडियो, वो देख सकते हैं। और मैं साउथ लेकिन कर्नाटक का ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, तो कर्नाटक का टूरिज्म को प्रमोट करना भी मेरा लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को बेंगलोर, जब से मैं बेंगलोर से रहा हूँ, बेंगलोर घूमना बहुत पसंद है मेरे को। और घूमने के लिए इसलिए आप लोग एक चैनल बनाया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए बेंगलोर का। और जब भी मैं ओडिशा जाता हूँ, ओडिशा का टूरिज्म प्रमोट करना मेरा भी एक अहम किस्सा है, तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को सब दिखाने के लिए, तो उसको प्रॉपरली मैं मिक्स कर रहा हूँ। लेके लगाएंगे, देखो मेरा हाथ गंदा हो गया, मेरा तो बेस हो गया ऑलरेडी, ठीक है ऑलरेडी वो चिपक गया है। तो अभी हमको क्या करना है, एक सरफेस रेडी करके उसको अभी लगा देना है, ठीक है। तो इसको चलो निकालते हैं, जो कि आ रहा है 3mm का कवर है, उसको निकालते हैं, ठीक है। उसको निकल के अभी फाइनली हम लगा देंगे हमारा, क्योंकि ऐसे करेंगे ना तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइट मिलेगा, टाइटनेस ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा छोड़ देते हैं लाइक ना 10 मिनट या 15 मिनट छोड़ दे सूखने के लिए, और ये थोड़ा टाइट हो जाएगा सूखने के बाद। मालूम है एमसील है ना, वो जैसे यू नो पत्थर जैसे हो जाता है एमसील, लिखा गया है फटाफट।